प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मोहद्दीपुर गुरुद्वारे के समक्ष मतदाता सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, रुकने नहीं देना है, सुरक्षा विकास और सबके सम्मान का अभियान समग्र विकास की अनवरत यात्रा के लिए भाजपा के डबल इंजन की सरकार है जरूरी। मेरे हर चुनाव में स्वतः स्फूर्त उमंग से जुड़े रहे हैं गोरखपुर के लोग। सीएम योगी के जनसंपर्क में उमड़ा श्रद्धा भाव। मोहद्दीपुर में घर घर जाकर लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनाने की अपील। जयकारों के बीच पुष्प वर्षा से हुआ योगी का स्वागत। महिलाओं ने उतारी आरती। बाल को दुलार कर गोपाल का दर्शन पूजन किया सीएम योगी ने। गोरखपुर से रवाना होने के पूर्व मोहद्दीपुर स्थित गोपाल मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जय श्री राम के जयकारों के बीच पुष्प वर्षा से हुआ सीएम का अभिनंदन। दो नन्ही बच्चियों से सहज संवाद में दिखा मुख्यमंत्री का वात्सल्य भाव। जहर खुरानी गैंग के दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 205.61 ग्राम डायजा पाम पाउडर, 60,000 रुपए नगद, एक वैगनार कार किया बरामद। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने किया खुलासा। कैंपियरगंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी, पूर्व मंत्री और विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर के न्यायालय में किया नामांकन। दिखे जीत के प्रति आश्वस्त। कहा, विकास, कोरोना काल के प्रबंधन, मुफ्त राशन, 24 घंटे बिजली मिलने से जनता है संतुष्ट। फर्टिलाइजर के माध्यम से हजारों हजार नौजवानों को मिलेगा रोजगार। जनपद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने विद्यालय के प्रधानाचार्य व अधिकारियों के साथ की बैठक। अलग अलग विद्यालय के 5 छात्रों को बनाया यूथ आइकन। कहा, यह छात्र बीएलओ के साथ मिलकर सभी छात्रों के गार्जियन को मतदान के लिए करेंगे जागरूक। पिपराइच विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह और बांसगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विमलेश पासवान ने कलेक्ट्रेट परिसर के न्यायालय में किया नामांकन। कहा, योगी सरकार के 5 साल के काम को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। योगी सरकार ने दिया है नया माहौल और सुशासन की व्यवस्था। मतदाता जागरूकता के लिए 9 वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। सीडीओ ने कहा, 9 विधानसभा के सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वाले गांव में जाकर 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए करेंगे जागरूक। सदर सांसद रवि किशन ने बसंत पंचमी के अवसर पर गोरखपुर न्यूज के सभी दर्शकों को दी बधाई व शुभकामना। गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 57 नए कोरोना संक्रमित मरीज। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 857। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।